थानागाजी गैंगरेप मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे पुलिस और किरोड़ी लाल के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने समर्थकों पर डंडे बरसा दिए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहीं रेलवे पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया। इससे पहले थानागाजी गैंगरेप मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। कुछ लोग रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास करने लगे। किरोड़ी लाल मीणा भी अपने समर्थकों के साथ रेलवे ट्रैक के पास धरने पर बैठ गए। हिरासत के बाद किरोड़ी मीणा को पुलिस ने रिहा भी कर दिया। जांच नहीं की उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पुलिस गिरफ्तार हो, इस मांग के कारण पुलिस ने सिड़के राजनीतिक द्वेष भावना से हम पे लाठी चलाई है, हम पे पत्थर फेंके। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसा दमन करना चाहते हैं हम, दमन से दमने वाले नहीं है। 129 के अंदर गिरफ्तार करके और जब रेलवे ट्रैक से स्टेशन की तरफ आ रहे थे पैदल पैदल, तो पीछे से क्वार्टी के जवानों ने लाठियां बरसाई, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। पत्थर हमारे भी लगे, मेरे लगा पत्थर, डॉक्टर साहब के लगा, हो सकता है कुछ पुलिस कर्मियों के भी पत्थर लगा, कई हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। कुल मिला के पुलिस जब मामला शांत हो रहा था तो किसके इशारे पे हुआ ये होना नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी 50,000 गैदरिंग थी, अपने आप काम करके जा रही थी, तो आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। इस तरह लाठी और गोली का दमन नहीं किया जा सकता।